इसका नाम क्या है? चीकू। बाय चीकू। चीकू हाय चीकू बेटा, शेक हैंड, शेक हैंड, गुड बॉय। वॉज इट चीकू है, पोमेरियन मिक्स। इसकी उम्र जो है पूरी 16 साल हो चुकी है। यूजुअली कहते हैं डॉग का जो लाइफ स्पैन है वो 10 से 12 साल मुश्किल से होता है आजकल, पर ये 16 ईयर्स का पूरा हो चुका है। इसके दांत पूरे एक्चुअली टूट चुके हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, दांत तो अभी इसके बाकी हैं वैसे, पीछे हैं। अच्छा, आगे के टूट गए हैं सारे। ऑलराइट, तो 16 साल का हो गया बॉस। तो पोमेरियन जो है वेट में लाइट वेट होता है, हल्की ब्रीड होती है। डॉग को शुरू से ढंग से खाना दो, ढंग से पाल के रखो, तो उसकी एज जो है 15-16 तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये भी, इनके ओनर से मैं आपकी बात कराता हूँ भैया। तो ये जो है इनके डॉग ओनर हैं चीकू के। चीकू के बारे में कुछ बताना चाहेंगे भैया? कब आपने लिया था ये? 2002 में लिया था, गिफ्ट आया था मेरे दोस्त से। 2002 में? 2018 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 16 का हो चुका है। जनवरी 26 को आया था, 26 हम बर्थडे मनाते हैं इसका हर साल। अरे क्या बात है, तो मतलब 16.5 साल का हो चुका है। केक वगैरह काटते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा है कि आप खास इसको परवरिश के लिए आपने क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखा? ऐसा कुछ नहीं, जो हम घर में नॉर्मल खाते हैं वही खाते हैं। नॉर्मल जो खाना खाते हो वही खाते हो, वेज नॉन वेज दोनों मिक्स? हाँ जी, दोनों मिक्स। ओके, और इसकी एक्सरसाइज वगैरह के लिए कुछ? वो कुछ नहीं कराते, खुला छोड़ देते हैं, घूमते खुला छोड़ देते हो। ये शॉप पे ही रहता है, घर पे भी रहता है? घर में रहता है, ये तो पूरे एरिया का बहुत सा, कहीं कुछ खुला छोड़ देंगे कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, और बाकी जो कुत्ते वो भी इसको सीनियर मानते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई सामने नहीं आता। अरे क्या बात है, तो बॉस ये जो है अपने एरिया का पूरा बॉस है। एक ही टायर शॉप पे यहाँ पे रखा हुआ है एक भाई साहब ने, कह रहे हैं जो गली में बड़े बड़े खूंखार कुत्ते हैं वो भी इसकी सीनियरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसके ऊपर अटैक नहीं करते ना भौंकते। तो ये जो है 16 साल का है भाई, एक पॉम मिक्स, पोमेरियन मिक्स, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि एक लेडी जो 450 से 500 स्ट्रीट डॉग्स को डेली फीड करती हैं, चाहे जो भी कंडीशन हो। देखते रहिए गाइस ऐसे बेहतरीन वीडियोस को, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों, समय का चक्र यूं चलता रहेगा, एक आता है तो एक जाता है, चाहे जानवर हो या इंसान। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आपको मैंने एक पैरासा डॉगी दिखाया, ही वॉज 16.5 ईयर ओल्ड, 2002 में बॉर्न ही हुआ था, जैसा कि इसके ओनर ने बताया, इसके घर, इनके घर पे आया था। तो ऑलमोस्ट 16.5 साल का हो चुका है, ही इज मोर देन स्वीट 16 नाउ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने घर में या पड़ोस में एक 16 साल के बच्चे को देखे कि कितना 16 साल का समय होता है, कोई छोटा समय नहीं होता। और जैसा कि इनके ओनर ने बताया, भाई गली का पूरे एरिया का बॉस है। तो उसे एक बात पता चलती है कि डॉग के अंदर भी सेंस होती है बड़ों की रिस्पेक्ट करने की, लेकिन इंसान ऐसे क्यों नहीं करता? आज इंसान जो है बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने में सबसे आगे रहता है, बड़ों को कुछ भी बोल देता है, उनके सफ़ेद बालों का लिहाज नहीं करता। कम से कम यार डॉग से कुछ सीख लो, अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो गाइज, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हों, जेन्युइन बिल्कुल ओरिजिनल मेरे वीडियोज़, तो अपने कमेंट्स में राय देते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, डॉग लवर्स के साथ शेयर करते रहें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौसम कम हेयर, स्वीटी कम हेयर, सिट डाउन, ये मेरा शेर है, आप जानते हैं। कौसमो ठीक है, तू बड़ा शरारती हो रहा आजकल। ओके गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको सबसे डिफरेंट टाइप के वीडियोस मिलते हैं देखने के लिए, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में जानें कैसे 400-500 डॉग्स को मैनेज करती हैं। प्लीज़ टेक केयर, गुड बाय।